मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र की राजनीति में नया इतिहास रच गया है। एनसीपी कांग्रेस शिवसेना की गठबंधन सरकार में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। मुंबई के शिवाजी ऐतिहासिक पार्क में नई सरकार ने शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया। इस समारोह में मुख्यमंत्री पद के अलावा 6 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है। आपको बता दें कि ठाकरे परिवार के पहले सीएम उद्धव ठाकरे बने हैं। आज नई सरकार बनने पर मुंबरा में भी एनसीपी कांग्रेस शिवसेना आरपीआई एमएनएस के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। पटाखे फोड़े और ढोल नगाड़ों पर थिरकते हुए खुशियां मनाई और एक दूसरे को मिठाइयां भी खिलाई। लगभग पूरे महाराष्ट्र में शिवसेना एनसीपी कांग्रेस की नई सरकार बनने पर जश्न का माहौल है। क्या कहा है नई सरकार बनने के बाद? देखिए, आज जो सरकार बनी है वो कांग्रेस पार्टी है, उसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है और शिवसेना है उसमें, और सारे घटक पक्ष है। ये तीनों विचारधारा के लोग हैं और महाराष्ट्र में जो ऐसी स्थिति निर्माण हो गई जहां हमारे संविधान धोखे में आ गया, और इसके लिए ये तीनों विचारधारा के लोग साथ में इकट्ठा हो गए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है महाराष्ट्र के लिए कि इतने साल से ये लोग जो अलग अलग थे, लेकिन इस हमारा ये संविधान बचाने के लिए वो लोग साथ में हो गए और उन्होंने जो सत्ता स्थापन किया है, मैं तो कहूँगी ये कुर्सी के लिए नहीं आए इकट्ठा ये लोग, ये संविधान को बचाने के लिए इकट्ठा आ गए हैं। और संविधान हमारे धोखे में आ गया था पिछले 4-4.5 साल से। हम लोग देख रहे हैं हमारे ये महाराष्ट्र में कितनी देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, हमारा जो आर्थिक जो हमारा वो स्तर है वो कहाँ कितना नीचे तक आ गया है। तो ये सब हमारे किसान जो है, किसानों की हालत खराब है, तो इसके लिए ये सब जरूरी था कि यहाँ परिवर्तन होना बहुत जरूरी था। और ऐसा एक सैलाब आ गया, ऐसी एक परिस्थिति निर्माण हो गई कि ये सब लोगों को साथ में इकट्ठा आना पड़ा। इसमें और भी बहुत सारा रोल जिन्होंने निभाया है, उसमें सबसे पहले मैं कहूँगी संजय राउत जी साहब है, उन्होंने एक अच्छा रोल निभाया है इसमें। हमारे स्थानीय MLA, हमारे NCP के लीडर हमारे माननीय जितेंद्र आव्हाड जी साहब है, उन्होंने इसमें अच्छा रोल निभाया है। कितनी ये लोगों ने भागदौड़ की है, कितना इन ये लोग परेशान थे, लेकिन इसमें से उन्होंने एक अच्छा एक रास्ता बनाया और ये हमारी जो अभी जो सरकार बन गई है, जो सत्ता स्थापन हो गई है, उसके लिए हम सब अभी निश्चिंत हो गए। लोगों में जश्न का माहौल है। लोग अब राज्य में अच्छे दिन आने की बात कर रहे हैं। जो किसानों की रोजगारों की बात करती है वो सरकार अब महाराष्ट्र में आ गई है और अब ये नई सरकार राज्य में बन गई है और लोगों को इस सरकार से काफी उम्मीदें भी जुड़ी हुई हैं। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।